हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाइट फीडिंग के बारे में। जब आपको बच्चे को फीड कराना होता है रात के टाइम, तो क्या वो कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, अगर कराते हैं क्या बेनिफिट्स हैं, और साथ ही साथ क्या वो तरीके हैं जिससे आप नाइट फीडिंग को अच्छी तरह से बच्चे के साथ कर सकते हैं। अगर कोई स्ट्रेस है तो उसके साथ भी कोप अप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दीजिए, और अगर कोई क्वेरी आए तो डेफिनेटली कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो ब्रेस्ट फीडिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है, गाइडलाइंस भी हैं, बच्चे को फीड कराना चाहिए, मदर्स चाहती हैं लंबे समय तक फीड कराएं, बट क्या रात के समय भी फीडिंग कराना इंपॉर्टेंट है? हमने बच्चे को पूरे दिन फीड कराया, अच्छे से फीड कराया, बच्चा हैप्पी है, मदर भी हैप्पी है, बट क्या रात के टाइम भी फीडिंग इंपॉर्टेंट है? और अगर इंपॉर्टेंट है तो रात को तो मदर को भी सोना है, मदर की भी बॉडी है, उसको भी रेस्ट चाहिए, तो हम क्या करें? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये देखते हैं कि रात को जो फीडिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अगर मदर का जो मिल्क है, बॉडी तो उसको प्रोड्यूस कर ही रही है, अगर वो मिल्क कंज्यूम नहीं होगा, ब्रेस्ट में ऑलरेडी भरा रहेगा, तो बॉडी को सिग्नल ये जाएगा कि कम अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करे, क्योंकि ऑलरेडी मदर की बॉडी में मिल्क है, तो जो मिल्क है वो और ज्यादा नहीं बनेगा, और वो जो सप्लाई है जो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हुई थी उसके कम होने के भी चांसेस हो जाते हैं। साथ ही साथ मेरी और भी वीडियो है ब्रेस्ट फीडिंग पे, आप वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बात की है कि मिल्क का प्रोडक्शन किस तरह होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि जो मिल्क है वो बनाने के लिए हमें प्रोलैक्टिन नाम के हार्मोन की जरूरत होती है। तो इवन बहुत सारी रिसर्चेस में देखा गया है कि जो प्रोलैक्टिन है उसका जो अमाउंट है वो रात में बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करती है बॉडी। तो जब इतने अच्छे से प्रोड्यूस कर रही है प्रोलैक्टिन बॉडी, और अगर मिल्क कॉन्स्टेंटली कंज्यूम होता रहेगा तो बॉडी उतने अच्छे से और मिल्क बनाएगी, और जब कॉन्स्टेंटली बॉडी मिल्क को प्रोड्यूस करती रहती है तो वो स्टेट में चली जाती है कि अच्छा, इस मदर को अपने बच्चे को फीड कराने के लिए मिल्क की जरूरत है। नेचर ने ही इस तरह से मदर बॉडी को प्रिपेयर किया है, तो मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी से होती है। तो ये तो सारी बातें हो गई कि हमें क्यों ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम मदर का जो मिल्क है वो और ज्यादा बनता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन भी बहुत अच्छे अमाउंट में रात को ज्यादा बनता है कंपैरेटिवली दिन के कंपैरिजन में। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि जो मदर है वो किस तरह बच्चे को फीड कराए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि मदर पूरे दिन की भी थकी हुई है, पूरे दिन अपने वर्कलोड पे थी, बच्चे को भी फीड कराना है, बच्चे को भी देखा है, तो आप रात को बार बार फीड करा रहे हैं तो मतलब कैसे आप उस चीज को कर सकती हैं? तो देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो है साइड जो है करवट लेकर लेट जाइए, आप पिलोज का यूज कर सकती हैं, थोड़ा सा अपनी अपर बॉडी को ऊपर करिए, ठीक है, आप अपने पैरों के बीच में भी पिलो लगा सकती हैं, जो भी पोजिशन आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है आप उसमें लाइंग डाउन पोजिशन में बच्चे को दूध पिला सकती हैं, लेट कर साइड करवट बच्चे को दूध पिलाइए। बस ये ध्यान रखिए कि बच्चे का जो सर है थोड़ा सा एलिवेटेड हो, थोड़ा सा ऊंचा हो, और जो सर है वो थोड़ा सा बैकवर्ड हो। बैकवर्ड होगा तो उससे क्या होगा कि जो आपका ब्रेस्ट है उसकी स्किन से बच्चे की नोज प्रेस नहीं होगी, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली 1 साल तक के बच्चों में SIDS सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का खतरा रहता है, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ। तो नाइट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नाइट फीडिंग के टाइम ये याद रखिए कि जिस टाइम आप रात को बच्चे को फीड करा रही हैं तो आप कंप्लीटली सोए भी ना हो, ऐसा ना हो कि आप जस्ट ब्रेस्ट ऑफर कर दें बच्चे को और आपकी आंख लग जाए, क्योंकि इससे बच्चे को रिस्क हो सकता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि बच्चे का सर भी थोड़ा सा एलिवेटेड रखिए और अपनी अपर बॉडी को भी थोड़ा एलिवेट रखिए, बच्चे के सर को थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट कीजिए, ठीक है, उसके जो लिप्स हैं उसमें अपना ब्रेस्ट ऑफर कीजिए उसको, और उसके बाद आराम से बच्चे को फीड कराइए। हो सकता है कि बच्चा रात में कम फीड ले सो जाए, बट रात की फीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो वो दिन के टाइम बहुत सारे और एक्टिविटीज में एनगल्प हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फीडिंग कम लेते हैं, और ये बहुत सारी स्टडीज में देखा गया है कि जो नाइट फीडिंग है वो ओवरऑल फीडिंग की 20-25% कंप्राइज करती है। तो अगर कोई चीज बच्चे के न्यूट्रिशन से 20-25% रिलेट कर रही है तो डेफिनेटली वो उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर आप उसकी 25% ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देने वाले न्यूट्रिशन को बंद कर देंगी तो डेफिनेटली वो उसके ग्रोथ को हैम्पर करेगा, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को भी हैम्पर करेगा। तो नाइट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बात हुई कि हमें रात को बच्चे को फीड कराना है।
अब हम रात को बच्चे को फीड करा रहे हैं और इसमें एक और बेनिफिट क्या है जो करंटली मेरे साथ चल रहा है कि जो मेरी बेबी है उसकी टीथिंग का फेज चल रहा है, मतलब उसके जो दांत है उसके गम्स में थोड़ी थोड़ी अब स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई है, उसका गम जो दांत निकलने वाला फेज है वो आ गया है, तो वो दिन के टाइम फीड बहुत कम ले रही है, जो मदर फीड है मेरा फीड वो कम लेती है क्योंकि मदर फीड में बच्चे को थोड़ी एनर्जी भी लगानी होती है। तो अगर मैं उसको रात के टाइम ज्यादा फीड करा पा रही हूँ तो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप मदर हैं तो आप जरूर उसको समझ पाएंगे कि अगर आप बार बार फीड नहीं कराते हैं तो मदर ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाता है, मदर को भी अनकंफर्टेबल होता है। मैं उसको इजीली फीड करा पा रही हूँ और रात के टाइम क्या होता है वो बहुत रेसिस्ट नहीं करती है, दिन के टाइम वो बहुत रेसिस्ट करने लग गई है मेरी फीडिंग को क्योंकि उसको लगता है मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बट रात के टाइम वो इजीली फीड लेना स्टार्ट कर चुकी है। तो आप ट्राई कीजिए कि बच्चा रात के टाइम भी फीड ले, और अगर टीथिंग फेज है तो उसमें तो डेफिनेटली बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ जो पोजीशन है उसको जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह बच्चे को दूध पिला रही हैं, इस तरह पिलाइए कि वो आपके लिए भी कंफर्टेबल हो और बच्चे के लिए भी हो। दूध पिलाते टाइम ये चीज याद रखिए कि रूम कंफर्टेबल होना चाहिए और बहुत ज्यादा लाइटिंग ना ऑन करें, जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है उन्हें अपने पास ही रखिए जिससे कि बार बार मदर को उठना ना पड़े, क्योंकि ये सारी चीजें जो है मदर बॉडी को धीरे धीरे क्या होता है कि रात का टाइम दिन का टाइम भी मदर पूरा एक्टिव है, सारा काम कर रही है, बेबी देख रही है, फिर रात में तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे अपने को कंफर्टेबल और अपना रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेबी की टेक केयर करना चाहती हैं तो आप दिन के टाइम औरों की हेल्प ले सकती हैं। ट्राई कीजिए रात के टाइम जब आपको ही सब कुछ करना है तो उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द चीज जो भी आपको बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है, इधर डाइपर्स और कोई भी क्लॉथ वगैरह कुछ भी चीजें, उनको हैंडी रखिए, अपने पास ही रखिए जिससे आपको बार बार उठना ना पड़े। फीड कराते टाइम लाइट को ऑन मत कीजिए, बट रूम में इतनी लाइट जरूर रखिए कि आप बच्चे को देख सकें। मैं ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि रूम में इतनी लाइट जरूर होनी चाहिए कि आपको जो है बच्चा दिखाई दे, तो आप कोई नाइट बल्ब या वगैरह यूज कर सकती हैं रूम में। दूसरा ये अप टू यू है कि आप लेट के पिलाना चाहती है, लेट के पिलाने की पोजीशन मैंने बता दी है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी भी बच्चे को लेट के दूध नहीं पिलाती हूँ, पहले से मेरे साथ ये है, मैं हमेशा बैठ के ही दूध पिलाती हूँ, तो अगर मुझे उसको दूध भी पिलाना होता है तो मैं बैठ के ही पिलाती हूँ। दूसरा जो मदरली इंस्टिंक्ट होती है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही गहरी नींद में सोने वाली मदर रही हूँ पहले, मतलब ऐसी फीमेल रही हूँ जिसको नींद बहुत प्यारी है और बहुत ही सुकून से वो सोती है, उसको नहीं पता होता अगर क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं मदरली इंस्टिंक्ट की बात करूँ तो मेरी बेबी जब भी हल्का सा भी मूव करती है तो मेरी आंखें खुल जाती हैं, मुझे पता होता है कि वो मूव कर रही है, मुझे इजीली पता चल जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखें 2-3 घंटे का अगर टाइम बीत जाता है तो मुझे पता है कि अब उसका फीड का टाइम है, मैं उसको फीड कराती हूँ। दिन के टाइम में ट्राई करती हूँ कि 1 आवर और 1.5 आवर की नैप में दिन के टाइम भी जरूर लूँ, क्योंकि आपकी बॉडी का रिलैक्स रहना भी बहुत जरूरी है। तो इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे को रात को भी फीड करा पाएंगे। क्या बेनिफिट्स हैं हमने उसके बारे में बात कर ली है। तो आई होप ये एक क्वेश्चन था जो मुझे आया था, जिसपे मैंने सोचा कि डेफिनेटली मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पता है कि क्या करना है। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, मदर केयर, बेबी केयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज है मेरे चैनल पे, वो सारी देखिए, आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होंगी अगर आप एक न्यू मॉम है मेरी तरह। तो आपको अगर इस तरह की वीडियोस चाहिए जो कि एक डॉक्टर की साइंटिफिक नॉलेज पर बेस्ड है और एक मदर के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है तो डेफिनेटली मेरे चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई क्वेरी है जिसपे आप चाहती हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो डेफिनेटली उसको कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।